तृणमूल कांग्रेस के नेता डॉक्टर अशोक तंवर इन दिनों हरियाणा में तृणमूल का फूल खिलाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अशोक तंवर जीआरपी में सब इंस्पेक्टर रहे जसवंत सिंह के रिटायरमेंट कार्यक्रम में पहुंचे। यहां पर भी उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अशोक ने कहा कि देश और प्रदेश की बीजेपी सरकार निचोड़ मॉडल में लगी हुई है, जो सब कुछ निचोड़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने ठान रखा है कि जनता को निचोड़कर, व्यापारियों को निचोड़कर और जनता का तेल निकालकर अपने महापूंजीपति साथियों की मदद करें। अशोक ने कहा कि इसी कारण आज देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। लगातार इस देश के अंदर महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, समाज को, देश को बांटने का लोग काम कर रहे हैं। और ऐसे में जिस मजबूती के साथ जिन लोगों की जिम्मेदारी लड़ाई लड़ने की थी, वो आज लड़ाई लड़ने में नाकामयाब हुए। पिछले 5 राज्यों के आप चुनाव के नतीजे देखे तो उससे ये साफ है। और साफ ये भी है कि जहाँ नया विकल्प देश में लोगों को मिलेगा, अलग अलग प्रदेशों में मिलेगा, वहाँ लोग पुराने लोगों के विचारधारा, सोच और नेतृत्व के बजाय नए विकल्प को चुनेंगे। ये लोगों का संकल्प अब दिखता है, क्योंकि डीजल पेट्रोल के भाव देख लो, जब तक इलेक्शन थे वो दाम रुके हुए थे, चाहे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हुए या बढ़े, लेकिन वो रोक के रखे सरकार ने 45-50 दिन। और जैसे ही चुनाव खत्म हुए, 10 दिन में लगातार 9 बार बढ़ोतरी हुई और पेट्रोल देश के कई हिस्सों में तो 116 रुपये क्रॉस कर गया, हरियाणा में भी 100 पार हो गया, डीजल भी करीबन करीबन उसी के पीछे पीछे चलता हुआ 100 के नज़दीक आने के कगार पर है। और ये सरकार अपने पूंजीपति, महापूंजीपति, पूंजीपति तो बहुत छोटे शब्द हो गए अब, महापूंजीपति जो मित्र हैं अडानी और अंबानी, उनकी मदद करने में लगी है। 10 साल पेट्रोल पंप रिलायंस के बंद रहे, आपने सबने देखा। हरियाणा में 134A के तहत गरीब बच्चों के निजी स्कूलों में दाखिले पर रोक लगाने के फैसले पर सरकार को घेरते हुए अशोक ने कहा कि बीजेपी अनपढ़ों की सरकार है, ये सरकार शिक्षा के महत्व को नहीं समझती, इसलिए ये शिक्षा व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि लोग पिछड़े रहें, अनपढ़ रहें, गरीब रहें, सरकार इस प्रकार के मॉडल पर काम कर रही है। ये सरकार तो ये बीजेपी जब से आई है ये खुद अनपढ़ों की सरकार है। नकली डिग्री, प्रधानमंत्री की नकली डिग्री, पहले HRD मिनिस्ट्री थी उनकी नकली डिग्री, नकली डिग्री वालों की सरकार। शिक्षा के महत्व को तो ये समझते ही नहीं, इसलिए शिक्षा की जो व्यवस्था है उसको ये ख़त्म करना चाह रहे हैं। लोग अनपढ़ रहे, लोग पिछड़े रहे, लोग गरीब रहे, ये सरकार इस तरह के मॉडल पे काम कर रही है। इसीलिए जो इन्होंने फैसला लिया है, मुझे लगता है कि वो उसी दिशा में है। और जो वजीफे देते थे आज वो वजीफे नहीं मिल रहे हैं, बच्चों के जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप होती थी, जो हायर एजुकेशन की स्कॉलरशिप होती थी, फंड लैप्स हो रहे हैं और गरीब बच्चों को पढ़ने के अवसर जो है वो नहीं मिल रहे। तो सड़कों के ऊपर उतरने की ज़रूरत है, इसलिए लोगों को अब ये मॉडल समझ में आने लग गया है। और जब इस तरह का मॉडल समझ में आता है तो लोग ये देखते हैं कि भाई कौन आदमी हमारे को बचा सकता है, कौन मजबूत नेतृत्व दे सकता है। पंजाब में उनको आम आदमी लगी, यहाँ हो सकता है कि उससे भी आम हो, अशोक तंवर तो उनसे भी आम है, हम तो बिल्कुल किसान मजदूर फौजी परिवार के, हमारे और साथी, हमने तो हमेशा आम जनता की, साधारण परिवार के लोगों की लड़ाई लड़ी है, जो गैर राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि के हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, पढ़े लिखे हैं, ईमानदार हैं, लेकिन संघर्ष का जज्बा जिनके अंदर। पंजाब में आम आदमी की सरकार बनने और प्रदेश में आम आदमी के तेजी से फैलने की चर्चाओं पर अशोक तंवर ने कहा कि वो पहले भी कहते रहे हैं कि लोग नए विकल्प की तलाश में हैं। हमेशा कांग्रेस, बीजेपी या अन्य पार्टियों के नेताओं की सांठगांठ रही है, ये पहले सब मिलकर लूटते हैं और बाद में एक दूसरे को बचाने में लगे रहते हैं। जींद से अनिल कुमार, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।